प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। प्रस्तावना: प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन अक्सर उसके समतल दर्पण में होने वाले परावर्तन के निरीक्षण से किया जाता है। दर्पण आमतौर पर सूक्ष्म स्तर पर भी समतल चिकने कांच होते हैं, इस वजह से वो हर एक प्रकाश किरण को समान सतह देते हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से दर्पण ये एक ही वस्तु नहीं जिस पर से प्रकाश परावर्तित होता है। अधिकतर वस्तुएं जो प्रकाश परावर्तित करते हैं वो सूक्ष्म स्तर पर चिकने नहीं होते हैं। आपके कपड़े, अधिकतर कमरों की दीवारें, ज्यादातर फर्श, त्वचा और कागज सब सूक्ष्म स्तर पर खुरदरे होते हैं। समतल सतह से, जैसे दर्पण से या शांत पानी के सतह से होने वाले परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिलती है। खुरदुरे सतह से, जैसे कपड़े, कागज और एस्फाल्ट रस्ते से मिलने वाली प्रतिबिंब धुंधली प्रतिबिंब होती है। प्रकाश किरण को स्वतंत्र प्रकाश किरणों का गुच्छा समझ सकते हैं जो एक दूसरे को समांतर सफर करते हैं। ऐसे किरणों के गुच्छे प्रत्येक किरण परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। गतिविधि: अगर हम इस टॉर्च का प्रकाश एल्यूमिनियम के पन्नी पर डालें तो वो स्पष्ट परावर्तन जैसे होता है। पन्नी में झुरिया बनाई तो अनेक पृष्ठ प्रकाश को अनेक दिशाओं में परावर्तित करते हैं। चलिए समझते हैं, खुरदरी सतह प्रकाश को बहुत सारी दिशाओं में क्यों फैलाते हैं। अगर किरणों का गुच्छा समतल सतह से आपाती है तो प्रकाश किरण परावर्तित होते हैं और सतह से बाहर निकलते हुए गुच्छे में एकत्रित रहते हैं। दूसरी ओर अगर सतह खुरदरे हो तो प्रकाश किरण परावर्तित होते हैं और बहुत सारी दिशा में फैलते हैं। अब प्रतिमा के बारे में सीखते हैं। हमने सीखा कि कोई वस्तु देखने के लिए अपनी दृष्टि को वस्तु की सीधी रेखा में लाना पड़ता है। जब आप ऐसा करते हो तो प्रकाश उस वस्तु से निकलकर अपनी आंख तक दृष्टिक्षेप की रेखा में आता है। यही सिद्धांत वस्तु की प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए विस्तृत कर सकते हैं। एकाध वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए आपको उस वस्तु को दृष्टि रेखा में लाना होगा। प्रतिबिंब की जगह निश्चित उस जगह पर होगी जहां से देखने वाले वस्तु को दृष्टि रेखा में ला रहे हैं। ये जगह दर्पण के पीछे होती है जहां से संपूर्ण प्रकाश फैलते हुए नजर आता है। तीन व्यक्ति एक वस्तु की प्रतिबिंब तीन अलग दृष्टि की रेखाओं से देख रहे हैं। हर व्यक्ति प्रकाश के परावर्तन से दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब जो परावर्तन के नियमानुसार बनी हो वो देखता है। जब हर एक दृष्टि की रेखा पीछे विस्तृत की जाती है तब हर रेखा एक ही बिंदु में काटेगी। यही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु है। गतिविधि: विस्थापन का आभास। ये छह विद्यार्थी पेंसिल की प्रतिबिंब का स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पांच विद्यार्थी समतल दर्पण की दूसरी तरफ है। छठवें विद्यार्थी को उस पेंसिल की प्रतिकृति दी हुई है। वो दूसरी पेंसिल को ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहां हर एक विद्यार्थी की पेंसिल की प्रतिबिंब और ये दूसरी पेंसिल एक ही रेखा में आ जाए। एक बार ऐसा होने से विद्यार्थी वास्तव पेंसिल और दर्पण का और प्रतिकृति पेंसिल और दर्पण का अंतर नापेंगे। यही कृति वास्तव पेंसिल को दर्पण के सामने अलग अलग जगह पर रखकर करेंगे। वो समझेंगे कि ये दोनों अंतर समान है और अनुमान निकालेंगे कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का अंतर और वस्तु का अंतर समान होता है। समतल दर्पण के लिए किसी वस्तु की एक ही प्रतिबिंब होती है। ये स्वाभाविक है कि हर दृष्टि की रेखा एक ही बिंदु में काटेगी। ये काटने वाला बिंदु प्रतिमा का स्थान होता है। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब आभासी होती है। आभासी प्रतिबिंब ऐसी प्रतिबिंब होती है जहां प्रकाश सचमुच नहीं पहुंचता। प्रकाश इस बिंदु में दर्पण की दूसरी तरफ से असल में नहीं जाता। सिर्फ देखने वाले को लगता है कि प्रकाश इस जगह से निकल रहा है। इसका मतलब ये पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। बाद में हम देखेंगे कि बाकी प्रकार के दर्पणों में से हमें वास्तव प्रतिबिंब मिलती है। ये प्रतिबिंब पर्दे पर ली जा सकती है। प्रतिमा का उल्टाव। गतिविधि: अगर आपने फिजिक्स ये अक्षर एक पारदर्शक कागज पर लिखे तो आप इन्हें एक तरफ से पढ़ सकते हो। दूसरी तरफ से देखने से अक्षर उल्टे दिखते हैं।
अब यही अक्षर एक सादे कागज पर लिखें और इन्हें समतल दर्पण में देखें। दर्पण में दिखने वाले अक्षर बिल्कुल जैसे आपने पारदर्शक कागज पर लिखे अक्षर दूसरी तरफ से देखे थे वैसे हैं। प्रतिमा के दाएं बाएं का उल्टाव ये सिर्फ संबंध के दायरे से है। आपने अपने शर्ट की प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखी तो आप शर्ट को सामने की तरफ से देखते हो। यह संदर्भ चौखट का बदलाव है। गतिविधि: एक पारदर्शक कागज ले, उस पर चौखट बनकर उसमें नाप पट्टी जैसे अंक लिखे। अब इसे दर्पण के सामने रखे, उसकी ऊंचाई नापे, प्रतिबिंब की ऊंचाई नापे, ये समान होंगी। यही प्रयोग लंबाई के लिए करें। नोटबुक रख के यही प्रयोग करें। अगर आप दर्पण पर नाप पट्टी जैसी रेखाएं बनाई तो आप आसानी से प्रतिमा की ऊंचाई और लंबाई नाप सकते हैं। अलग अलग नाप की वस्तुएं रखकर प्रतिमा की लंबाई और ऊंचाई नापे। अगर 27 मिलीमीटर व्यास का सिक्का दर्पण के सामने रखे, जब सिक्के को बहुत पास से देखेंगे तो प्रतिबिंब का व्यास भी 27 मिलीमीटर होगा। इन निरीक्षणों से हम अनुमान निकाल सकते हैं कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार एक समान होता है। प्रतिमा के आयाम का वस्तु के आयाम से अनुपात को प्रतिमा का आवर्धन कहते हैं। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब का आवर्धन एक होता है। चुनौती का स्वीकार करें। हमने सीखा कि समतल दर्पण से बनी प्रतिबिंबों के कई विशेष गुणधर्म होते हैं। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबे आभासी होती हैं। प्रतिबिंबे सीधी और दाएं बाएं उल्टाए होते हैं। वे वस्तु के अंतर के समान अंतर पर होते हैं और वस्तु जितने आकार के होते हैं। इसके बाद हम गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे।